तो गाइस अपना लुक तैयार है, देख लो नीचे से ऊपर तक है। और नेपाल राइड के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हम, ठीक है। तो अभी हम नेपाल राइड पे जा रहे हैं, मम्मी से परमिशन लिए सिर्फ 3 दिन के लिए। तो 3 दिन में हम राइडिंग अपनी ख़त्म करके जहाँ तक जाना है वहाँ तक के जाएंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे फिर उसके बाद में सीधे हम घर आएंगे, ओके। फिर उसके बाद चलेंगे घूमने, ठीक है। ये चलो ठीक है, आगे मिलते हैं, ठीक है। ये खड़ी भी है बाइक, और बाइक की सर्विस वगैरह बिल्कुल हो चुकी है, और अब हम लोग निकलेंगे राइड के लिए। अपना लुक तैयार हो चुका है, अब हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए। पहुंच चुके हैं शहीद पताली रोड पे। अब यहाँ से निकलना तो बहुत जरूरी है, तो अब हम इधर निकले हैं शहीद पताली रोड, जो भैया सीधे निकलती है शहीद पर। ये लखनऊ के चीते हैं, ठीक है ना, टसन में जीते हैं। तो ये देखो क्या प्यारा है, गोमती नगर, गोमती नगर शहीद पथ है ये, शहीद पथ भैया। वहाँ से बाद वापिस आएंगे, और उसके बाद में आने के बाद में सीधे सर्विसिंग कराना है गाड़ी की, और सर्विसिंग करा के गाड़ी को छोड़ के जाना है, 3-4 महीने के बाद में आना है फिर चलाना है। उससे पहले अपनी मिसिस गाड़ी को स्टार्ट करती रहेंगी। यूपी 32 भैया जा रही ओल्ड मॉडल स्कॉर्पियो, देखो क्या मजे से चला रहे गाड़ी। देखो हेलमेट नहीं है खोपड़ी में, देख रहे हो। तो कुछ हो जाएगा बोलेंगे कि भैया चोट लग गई, थोड़ा स्टाइल तो दिखाना ही पड़ता भैया, गाड़ी लेके जा रहे हैं। पर इनसे बच के रहना भैया, उत्तर प्रदेश परिवहन और हिमाचल परिवहन से इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कब कहाँ किस जगह मोड़ दें। रोड निकलेगा ना इधर से सीधे निकल के, कहीं मुड़ना नहीं है ना, भरे जो दे। चलिए थैंक यू। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ये घाघरा नदी के पास में, आप देख सकते हो घाघरा नदी, वो जो आपको दिख रहा है सामने वो रेलवे ट्रैक है जो रूपडिया कोस्टा नेपाल बॉर्डर की तरफ और इधर से कहीं पे भी जाता होगा, है ना। और ये रोड बनी हुई है, ये रोड नेपाल जाएगी, आपकी गोरखपुर जाएगी, हर जगह जाती है इधर से। तो ये आपका जो है घाघरा नदी पहुंच चुके हैं, चलिए आगे देखते हैं कि आगे घाघरा नदी में कैसा कितना पानी भरा है ना। वाह क्या नजारा है, देख रहे हो। पूरा पानी भरा हुआ है, मजे का एकदम सॉलिड पानी भर के रखा गया घाघरा नदी में। क्या पर अभी पानी कम हो गया, पहले बीच में इतना पानी भरा था ना इसके अंदर, जैसे लग रहा था बाढ़ आ जाएगी। तो जो डॉट डॉट दिख रहा होगा मिट्टी जैसा, वहां तक के पानी था पूरा भरा हुआ। टॉयलेट अब हमको क्या, अब हमको तो नेपाल पहुंचना है जितनी जल्दी जल्दी हो सके भाई। तो भैया देखो क्या सुहाना मौसम है, शॉर्ट रील वगैरह बनाने के लिए तो इधर ही आना पड़ेगा जैसा लग रहा है कि नहीं। दूर दूर तक के कुछ नहीं है भैया, अभी नदी ना होने से इधर पूरा घर बने होते अब बना लो घर, नाव भी रखी हुई है इधर। अब यहाँ से आधा बचा हुआ है नेपाल,
नेपाल आधा बोले तो आपका 100 किलोमीटर के आसपास में होगा। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, क्या बोला जाए। मेला वाला लगा है शायद इधर कोई, इसलिए भीड़ है इतनी दबा के। तो भाई लोग खड़े हुए इधर, अब चाय पीते हैं और निकलते हैं इधर से ना। तो गाइस यहाँ पे पहुँचे हैं अभी आधे रास्ते में, और आधे रास्ते पहुँच के अब हमने खाली 2 रसगुल्ले और चाय और एक ये कोल्ड ड्रिंक लिया है, और इसको पी के अब फिर यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से 5 मिनट वेट करेंगे, और 5 मिनट के बाद में फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो अब अपने पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 बजे से पहले पहले हमको नेपाल बॉर्डर पर पहुँचना है, तो इसलिए अब हम लोग मूव करते हैं। बाय। तो भाई अपना हो गया यहाँ पे ब्रेकफास्ट, अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा सीधे की सीधे हीट करेंगे अपना नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर के बाद में अब देखा जाएगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। निकले तो बड़े जोर शोर से हैं भाई, अब सीधे नेपाल बॉर्डर पहुंचने के बाद ही होल्ड होगा, उससे पहले कोई होल्ड नहीं होगा। सबसे पहले बोलो संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी स्वामी की जय। ये मैं मंदिर तो जा नहीं सकता हूँ, ठीक है, दूर से ही मैं टच करके आता हूँ। जय हो संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी स्वामी की जय। भाई यहाँ पे आ गया ना, सबसे पहले मैं इधर आता हूँ। जब भी इधर से नेपाल के लिए निकलता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं इधर मत्था टेकता हूँ, फिर उसके बाद मैं इधर से मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। तो भाई आप भगवान को पहले मत्था टेकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस जब मैं नेपाल के लिए आता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे पहुँचता हूँ इस मंदिर के पास में, ये हनुमान जी का मंदिर है। पहले यहाँ पे प्रणाम करता हूँ, उसके बाद में मैं आगे का सफ़र पूरा करता हूँ। तो हमने प्रणाम कर लिया, अब हम चलते हैं यहाँ से। ये R15 तो जहाँ देखो वहाँ R15 देख रही है, देखो क्या मज़े से लेके जा रहे हो लड़के। और दोस्त ठीक है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं R15 में। इधर ही है क्या घर? घर इधर ही है घर? हाँ हाँ, फोटो ले लिए तुम्हारी। कहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे क्या? अच्छा गाड़ी के मालिक है, तो कोई बात नहीं यार, ये भी स्मार्ट लग रहा है यार। और बताओ दोस्त ठीक ठाक हो, क्या नाम है? सर हम पीछे देखे भैया लोग बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, ये चलाते हैं गाड़ी बहुत प्यारी लगी। ठीक है नहीं R15 नहीं है, 310 है अपाची। नेपाल जा रहे थे घूमने के लिए, नेपाल ये पड़ी थी 4 लाख रुपए की, ये शायद 3 लाख की, ये ढाई की। हम ये लेने गए थे 3, पर हमको ना थोड़ा वो सीसी कम लगी ना। ये सीसी कम हिसाब से आओ वेलकम,
हाँ जाओ जाओ उधर आ जाओ भैया तुम उतरो लाओ हाँ जाओ जाओ भैया हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा लेके निकलेंगे भाई बगल से भाई हम भी राइडर हैं भैया बॉर्डर के पास में पहुंच गए हैं अब हम लोग और इधर से ज्यादा कुछ दूर है नहीं अभी देखते हैं कितना किलोमीटर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर तो बोर्ड के ऊपर देखेंगे कितना किलोमीटर लिखा है तो फिर उसके बाद में पता चलेगा कि कितना किलोमीटर है ना।